तो दोस्तों लेके आया हूँ केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी जो कि सीधी भर्तियां हैं जो कि कोरबा में है और ये कोरबा है छत्तीसगढ़ की में। तो केंद्रीय विद्यालय का जो 3 नंबर का कॉलेज है वहाँ पे वैकेंसी निकली है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो दोस्तों ये वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्सिंग 3। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख सकते हो यूट्यूब पे टेक्सिक 1-2-3 मैंने डाला है और मेरा चैनल का आइकॉन आपके सामने है। बस आपको मेरे चैनल पे जाना है और आपको आइकॉन पे जाने के बाद आपको वीडियोस में जाना है। वीडियोस में जाने के बाद आप देख सकते हो मैं हर रोज़ कितनी वैकेंसी, हर रोज़ 2 से 3 वैकेंसी का वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये सारी वैकेंसी आप देख लीजिए और जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर लीजिए। इसका लास्ट डेट मार्च तक है, तो आप कोई भी वैकेंसी छोड़े ना, जल्द से जल्द इसको अप्लाई करें। इसमें बहुत सारी सीधी भर्ती भी है, रेलवे का भी है, 1.5 लाख 2 लाख जो वैकेंसी निकली है बहुत सारी, इसका सबका वीडियो मैंने डाल दिया है। महाराष्ट्र का भी डाला है, मतलब हर स्टेट का मैंने डाला है। और इसमें 62,000 टीचर की भी वैकेंसी निकली थी जो यूपी का, उसका भी वीडियो डाल दिया है। तो मैं हर लेटेस्ट अपडेट जो रहता है उसका वीडियो डालते रहता हूँ। तो दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। इससे होगा ये कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ दोस्तों ये जितने वीडियोस आप देख रहे हैं ये सबके नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक रहता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, मैं एक आपको एक वीडियो ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निकला है सेंट्रल वाटर कमीशन में, यहाँ पे आप क्लिक करना है आपको नाम पे और यहाँ पे आप जाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दिए मैंने, साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और उसके बाद अप्लाई करने का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको हर वीडियो के नीचे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बस जाना है मेरे प्रीवियस वीडियो में और जल्द से जल्द वीडियो देख लीजिए और अप्लाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पोजीशन है प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, इसमें जो पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर, स्पोर्ट कोच, नर्स, डॉक्टर एंड काउंसलर की वैकेंसी है जो कि रिक्वायरमेंट है 18 साल मिनिमम रहना चाहिए, मैक्सिमम 65 साल तक के कर सकते हैं अप्लाई। ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कर सकते हैं इसको अप्लाई। बीए बीकॉम कोई भी रहेगा कर सकते हैं आवेदन आप। इसमें सेट वाले भी हैं तो सेट का भी क्राइटेरिया दिया है, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और साथ ही साथ आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो आप दोनों को चेक कर लीजिए और अप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो अप्लाई करने से पहले मतलब आपको एग्ज़ाम डायरेक्ट, आपका इंटरव्यू रहेगा, आप इसमें कोई एग्ज़ाम एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको डायरेक्ट वहाँ पे कॉलेज में जाके इंटरव्यू देना है और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन रहेगा। सिलेक्शन आपका रहेगा डायरेक्ट, आपके इंटरव्यू डिपेंड रहेगा कि आप इंटरव्यू कैसा देते हो। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। इसमें जैसे रिक्रूटमेंट ड्राइव देख सकते हो आप, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू है जो पीजीटी टीजीटी के लिए इंटरव्यू रहेगा 26 तारीख को, 26 फेब को। प्राइमरी टीचर, आर्ट क्राफ्ट टीचर, स्पोर्ट कोच इंटरव्यू के लिए है 27 तारीख को। कंप्यूटर टीचर, नर्स, डॉक्टर एंड काउंसलर के लिए 28 तारीख को है। टाइम फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए 9 AM से 2 PM तक रहेगा। टाइम नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है नर्स, डॉक्टर, काउंसलर के लिए 11 बजे से 11:30 बजे तक। और ये टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। और हेल्पलाइन जो नंबर देख रहे हो आप, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है और ये केंद्रीय विद्यालय का नंबर भी दिया है। और मोर इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप देख सकते हो, डिटेल्स के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी या आपको पसंद आई होगी या आपका कोई फ्रेंड इससे रिलेटेड तैयारी कर रहा है और एज ज़्यादा हो चुकी है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो अभी 65 साल तक के लोग भी कर सकते हैं अप्लाई, तो उसका एज कितना भी रहेगा वो कर सकता है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।